संसद के बजट सत्र का छठा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इस देश में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, सरोकार भी बदला है। उन्होंने कहा कि अगर ये भी सरकार पिछली सरकार की तर्ज पर चलती तो जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटता। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम कांग्रेस की राह चलते तो शत्रु संपत्ति कानून नहीं बनते, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं होती, हम अपने लिए नई लीक बनाकर चलते हैं और वो सोच लीक से हटकर होती है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम कांग्रेस के रास्ते चलते तो आज 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति का इंतजार देश को करते रहना पड़ता। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में पीएम मोदी ने दाग देहवली का शेर और मशहूर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता की पंक्तियां को भी पढ़ा। जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में और राहुल गांधी आमने सामने दिखे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राहुल पर चुन चुन कर निशाना साधा है। साथ ही बीते दिन गए उनके डंडे वाले बयान पर भी जमकर तंज कसा है। यहां तक पीएम ने कहा कि बगैर नाम लिए राहुल गांधी को ट्यूबलाइट बता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएए लाने की क्या जल्दी थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम लोगों को बांटना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े समुदाय के लोगों के साथ है, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। पीएम ने कहा कि ऐसी भाषा पाकिस्तानी की है, इन लोगों ने देश के मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश की है, लेकिन अब इनका बयान काम नहीं करता है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए जो लोग मुस्लिम में है वो हमारे लिए हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र आने पर पीएम मोदी ने कहा कि पहले कश्मीर की पहचान बम, बंदूक और आतंकवाद बनाकर रखी दी गई थी। उन्होंने कहा कि 1990 में ही कश्मीर की पहचान को दफना दिया गया था, जब वो वहां से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। शशि थरूर पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि आप तो कश्मीर के आप दामाद रहे हो, आपको तो वहां की बेटियों के बारे में सोचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। वो पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए कानूनी प्रश्नों का वृहद पाठ के पास भेज सकती है और सबरीमाला मामले पर सुनवाई करते हुए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मामला विभिन्न धर्म स्थलों पर महिलाओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन को लेकर मनीराम रामदास छावनी में होने वाली संतों की बैठक टल गई। बीजेपी के नेता और संतों ने महंत नित्य गोपाल दास से मुलाकात की, जिसके बाद बैठक को टालने का फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ कि केंद्र सरकार को ट्रस्ट में नित्य गोपाल दास को जगह देने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा के बाद जहां एक तरफ साधु संतों में खुशी का माहौल है, तो वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दिवाली मनाई जा रही है, जिसमें संतों ने मिलकर मंदिर की सीढ़ियों पर दीपक भी जलाए हैं। सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया है, जिसमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य मिलाकर कुल 15 सदस्य होंगे। ट्रस्ट में के परासन को अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से नाराज होकर अयोध्या के महंत परमंदा हास्चार्य महाराज अनशन पर बैठ गए हैं। संत परमहंस दास के अनशन का आज दूसरा दिन है। उन्होंने कहा है कि संत प्रमुख मोहन भागवत को इसका अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। फैजाबाद से बीजेपी सांसद ललू सिंह ने कहा कि ट्रस्ट में कौन लोग शामिल है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सरकार का काम है कि ट्रस्ट में कौन लोग रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि अब मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण कोई लोकल मुद्दा नहीं है। महंत नृत्य गोपाल दास की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि अगर कोई नाराज है तो इसके केंद्र सरकार संज्ञान लेगी, ये उनके विषय की बात नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का इंतजार सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। रंजीत बच्चन हत्याकांड मामले में दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में नजर आ रहा है कि शाल ओढ़े शूटर रंजीत बच्चन का पीछा करता हुआ ग्लोबल पार्क तक पहुंच गया है और इसी ग्लोबल पार्क के बाहर रंजीत बच्चन की हत्या करके शूटर फरार हो गया था। नए सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस ने हत्यारे को मुंबई से धर दबोचा है। लखनऊ में हिंदूवादी नेता रंजीत बच्चन की हत्या का खुलासा हुआ है। हत्या की वारदात में कई लोग शामिल थे। सुपारी किलर के जरिए महिला ने हत्या कराई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा मुंबई भाग गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शूटर से पूछताछ के बाद दो लोगों को और भी हिरासत में लिया गया। पुलिस को कॉल डिटेल सीसीटीवी फुटेज से कई अहम सुराग भी मिले हैं। रंजीत की पत्नी स्मृति वर्मा पर भी शक जताया जा रहा है। सीए को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मऊ से जहां बसपा के पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांड्या, जो पिछले 20 जनवरी को बसपा को छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे, उन्होंने सीएए और एनआरसी को काला कानून बताया और सवाल उठाया कि एनआरसी के तहत देश के राष्ट्रपतियों तक के नाम राष्ट्रपति की सूची से बाहर कर दिया गया है। अलीगढ़ में अवैध वसूली और रुपयों के लेनदेन की लगातार शिकायतों पर एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी को निलंबित करते हुए पुलिस चौकी पर कार्यवाही कर दी है। इनमें से एक दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। बोर्ड की परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के बाद मुरादाबाद जिले में कंट्रोल रूम तैयार किया गया। कंट्रोल रूम से जिले के 102 परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी को जोड़ा जाएगा और परीक्षा की हर गतिविधि को मॉनिटर भी किया जाएगा। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उत्तर प्रदेश में 8,000 सोलर पंप लगवाए जाने का ऐलान किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाए जाने को लेकर ट्रस्ट का निर्माण होने पर खुशी जाहिर करते हुए विपक्ष पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। उधम सिंह नगर में एसएसबी के जवान का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक एसएसबी जवान ने पूर्व में दो पत्नियों होने के बावजूद एक महिला को धोखे में रखकर तीसरी शादी कर ली। इसके बाद वो दहेज में 5 लाख रुपए और कार की मांग करने लगा, जिससे परेशान होकर पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया है। सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ, यहां दम घुटने से 7 लोगों की मौत हो गई। दरी फैक्ट्री में गैस रिसाव से यह हादसा हुआ है। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है। इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। कोतवाली क्षेत्र के बिस्वा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में दरी फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। सीएम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने का निर्देश देने के साथ ही घटना से प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव राहत देने को कहा है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर में महिला समेत 3 बच्चों का शव मिला है। सुबह काफी देर तक घर से किसी के आवाज नहीं आने के बाद लोगों ने किसी तरह खिड़की से देखा तो सभी लोग मृत पड़े हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि कमरा अंदर से बंद था। शव पर किसी प्रकार के चोट के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। कौशाम्बी में गैंगरेप के आरोपियों को विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने इस मामले के हर मुलजिम पर 1,83,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल सितंबर में खेत से 4 लाने गई पीड़िता के साथ आरोपियों ने गैंगरेप कर दिया था, जिसके बाद पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहराइच के बख्शीपुर इलाके में आबकारी विभाग ने छापेमारी करते हुए नकली शराब बनाने का एक गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से बड़े पैमाने पर बड़ी कंपनियों के ढक्कन, रैपर और 4 वाहन भी सीज कर दिए हैं। साथ ही 3 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
नैनीताल के कैची धाम के पास 30 जनवरी को बाबा केशवनाथ गोस्वामी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाबा की हत्या के आरोप में उनके सेवादार तीरथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी सेवादार को नैनीताल जिला कोर्ट में पेश होने को कहा। कोर्ट ने आरोपी सेवादार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए सेवादार ने बताया कि घटना वाले दिन बाबा और उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद सेवादार ने उनकी हत्या कर दी थी। बुलंदशहर में NS-91 पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लग गई। वहीं पुलिस कार सवार 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुका है। सहारनपुर में ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को पकड़कर गांव के ही प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया। गांव वालों की माने तो आवारा गोवंश उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। जिला प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई समाधान न होने पर ग्रामीणों ने ये कदम उठाया। बागपत में एक मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सभी घायलों को CHC बड़ौत में भर्ती कराया गया है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर मामले में जुट गई है। नोएडा में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग लोगों को रेप जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनके पैसे वसूलता था। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 3 फरार बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी को विजिलेंस की टीम ने 15,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके कमरे से छापेमारी करके 1,93,000 रुपए भी बरामद किए हैं। बुलंदशहर कोतवाली देहात के सियाना अड्डा के पास एक निर्माणाधीन सीवर लाइन के गड्ढे की ढाल गिरने से 3 मजदूर दब गए। 2 मजदूरों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने मदद से बाहर निकाल लिया, लेकिन बचाव टीम के पूरी कोशिशों के बाद भी 3रे मजदूर को नहीं बचाया जा सका। हमीरपुर जिले में अलाव ताप रहे लोगों पर कार ने कहर बरपा दिया। तेज रफ्तार कार ने आग ताप रहे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इटा के रिजोर इलाके में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद आनंद फानंद में लोगों ने आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, साथ ही घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कन्नौज के तिरवा इलाके में 24 जनवरी को हुई सराफा व्यापारी से लूटपाट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गैंग सरगना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों के पास से 3 किलो चांदी भी बरामद की गई है। बता दें कि बीते 24 जनवरी को बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूटपाट कर 3 किलो चांदी फरार हो गए थे। कानपुर में शादी समारोह में शामिल होने गए 2 पक्षों में कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। इस मारपीट में 4 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ के लालगंज इलाके में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जालौन के दौरा थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी। हमलावरों ने शव को किसान के घर के बाहर फेंक दिया। किसान की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। हमीरपुर में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे बैठे लोगों को कुचल दिया। हादसे में 1 की मौत हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। कचारा गांव के पास का ये घटना है। देहरादून के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ढिकारा जोन रामगंगा नदी किनारे 3 बाघों के प्लास्टिक खाने का
फोटो प्रकाश में आने से अफसरों में अफरा तफरी मच गई। फोटो में दो बाघ प्लास्टिक की बाल्टी को खाते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी दे दे कि वन इलाके में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ ही अधिकारी ने भी ये जानना चाहा कि आखिर बाल्टी में ऐसा क्या था जो बाघ खा रहे हैं। विलुप्त हो रहे स्नो लेपर्ड के संरक्षण की कवायद वन महकमे में तेज कर दी गई है। स्नो लेपर्ड की वास्तविक तिथि का खाका तैयार करने के लिए वन विभाग कंजर्वेशन सेंटर खोलेगा। इसके माध्यम से स्नो लेपर्ड से जुड़ी तमाम जानकारियां मिल पाएंगी और प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड के एरिया में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई, वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट भी जल्दी 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। ऐसे में यहां हुई जबरदस्त बर्फबारी से परेशानियां लोगों को आ रही है। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के अलावा बाकी सब बर्फ की आगोश में आ चुका है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के रास्ते जगह जगह ग्लेशियर आने से पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी राजकीय कन्या सेंट्रल कॉलेज के 15 ब्लॉकों से आए सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने जल संरक्षण, पहाड़ों की घुमावदार सड़कों में सड़क हादसों से बचने के लिए अपनाई जाने वाली नई तरीके भी पेश किए हैं। साथ ही छात्र छात्राओं के हाथ की कारीगरी दिखाते हुए जूट के रेशों से बने चप्पल, टोकरी और अन्य सामान भी देखने को मिले। मेरठ में चीन से लौटे दंपति समेत 3 लोगों में कोरोना वायरस की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल जांच के लिए केजीएमयू लखनऊ भेज दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस को लेकर मेरठ में 70 लोगों की सूची जारी की है जो 31 दिसंबर से 29 जनवरी के बीच चीन से वापस आए हैं, जिनमें से 54 की तलाश जारी है और 3 लोगों को संदिग्ध मिलने पर उनकी जाँच सैंपल को लखनऊ में भेज दिया गया है। चंपावत में केंद्र सरकार की कोरोना वायरस पर एडवाइजरी के बाद भारत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य विभाग के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। बनबसा और टनकपुर नेपाल बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार नेपाल से आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग कर रही है। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों को भी इस पर विशेष जानकारी देने के लिए सीएमओ आरपी खंडूरी ने बनबसा और टनकपुरा बॉर्डर्स का दौरा किया और बॉर्डर्स पर तैनात मेडिकल टीम से जानकारी भी ली है। लखीमपुर खीरी के महेवागंज निवासी मोहम्मद हफीज मंसूरी को कोरोना वायरस की जांच के लिए जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। हफीज मंसूरी अभी चीन से ही लौटा है। हालांकि हफीज में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं नजर आया है। हफीज को सिर्फ प्राथमिक जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वायरस को लेकर भारत ने सख्त कदम उठाए हैं। दुनिया के किसी भी कोने में से आने वाले चीनी नागरिकों को 5 फरवरी से पहले जारी किए गए सभी वीजा को निलंबित कर दिया गया है। इनमें नियमित और ई वीजा शामिल है। हालांकि हांगकांग, मकाऊ और ताइवान के चीनी पासपोर्ट धारकों को रियायत दी गई है। मौजूदा दौर की रन मशीन विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही नहीं बल्कि बिजनेस के मामले में भी सुपरहिट है। बैटिंग और कप्तानी के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले कोहली ने भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू के मामले में दिग्गज अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है और लगातार 3rd वर्ष नंबर 1 पर ही बने हुए हैं। भारत को 2 विश्व कप दिलाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नए अवतार में नजर आ रहे हैं। धोनी वीडियो में अपने पूर्व साथियों रुद्र प्रताप सिंह और पीयूष चावला को गोलगप्पे परोस रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मालदीव में हमारा रॉक स्टार पानी पूरी बना रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बिग बी ने एक होनहार दिव्यांग कलाकार का सपना पूरा कर दिया है। बिग बी ने आयुष को अपने बंगले पर बुलाया और उसकी पैर से बनाई गई सभी पेंटिंग्स भी देखी है। इनमें केबीसी के कौन बनेगा करोड़पति की पेंटिंग भी शामिल है। साथ ही बिग बी ने बड़ा दिल जीता दिखाते हुए दिव्यांग आयुष की पेंटिंग को अमूल्य मानते हुए 50,000 में भी खरीद लिया। आपको बता दें कि 22 साल के आयुष के जन्म से हाथ नहीं है और वो पैर से कैनवास पर ब्रश चलाते हैं। बागी और बागी 2 के दमदार एक्शन के बाद बागी 3 की बारी आ चुकी है। बागी 3 के पोस्टर आने के बाद अब फिल्म के ट्रेलर भी रिलीज कर दिए गए हैं। मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जैसे ही शेयर किया था, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। फैंस की एक्साइटमेंट को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया, जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।